दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी ऑफिस में होगी और बैठक में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी अब तक 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। फाल्गुन अमावस्या आज मनाई जा रही है। जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाने वाला फाल्गुन अमावस्या का व्रत इस बार विशेष माना जा रहा है। फाल्गुन अमावस्या पर आज स्वार्थ सिद्धि योग का खास संयोग बन रहा है। इस खास योग में किए गए व्रत और पूजा का जातकों को दोगुना फल प्राप्त होगा। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान देने की भी परंपरा है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्नाव से अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो पवित्र नदियां हैं उनके किनारे घाटों पर काफी भीड़ भी श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। फाल्गुन महीने की अमावस्या है आज, क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? सबसे पहले चित्रकूट चलते हैं, हमारे सहयोगी यहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश सोनकर। जी देखिए, बता दें कि आज ये फागुन मास की अमावस्या है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष ही महत्व होता है। हम खड़े हैं रामघाट में, जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वह आज अमावस्या के अवसर पर यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद यहाँ से भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और जो अपने पितर हैं उनको तर्पण करने से उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्त होती है। इसीलिए हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वह चित्रकूट पहुँच के माँ मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान कामतगिरी की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि चित्रकूट में अमावस्या के दिन यहाँ दर्शन पूजन पाठ का विशेष ही महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। यही कारण है कि भगवान श्री राम की निशानियों को देखने के लिए यहाँ श्रद्धालु हर अमावस्या में और हर एक त्यौहार में यहाँ पर चित्रकूट आते हैं और यहाँ पर पवित्र नदियों में स्नान दान करते हैं। जी बिल्कुल, चित्रकूट की तस्वीर हमने देखी। उन्नाव अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, अनुज गुप्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज, जरा वहाँ की तस्वीर भी दिखाइए कि कितनी रौनक घाटों पर है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिन चलता जा रहा है उस तरह से यहाँ पर घाटों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लोगों का भीड़ आई हुई है, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि उधर लेडीज है हमारे साथ। आज के दिन का क्या महत्व है इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पुजारी मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि आज के दिन का क्या विशेष महत्व है। जी आज जो है महान दिन है, अमावस्या जो है वो महान होती है और आधे का आधे में अमावस्या पड़ती है, पूरे में पूर्णिमा पड़ती है और दसवें 11वें दिन एकादशी पड़ती है। ये महान दिन है, इन्हीं दिनों में स्नान तो रोज लोग करते हैं, मगर करने का अर्थ यह है कि जैसा नियम आप बनाएंगे, जैसा आपकी आत्मा होगी, आपकी आत्मा का ही विश्वास आपको फल मिलेगा। ये गीता का ज्ञान है। या तो गंगा के तट पर इसमें किस तरह से भीड़ बनी हुई है, एक एक करके आ रहे हैं लोग और नहा रहे हैं और चल रहे हैं और जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, मगर बढ़ते जाएंगे। जब जिस आदमी को देखेंगे कि आदमी जा रहा है, चलो आज एकादशी, बहुत लोगों को मालूम नहीं अमावस्या है कि पूर्णमासी है, मगर वो आ रहे हैं, जब देखें तब चले और जा करके उन्होंने स्नान किया और अपना जो है भोग लगाया मैया का। और ये जगत माता हैं, इनका स्नान जो है कभी अब ईर्ष्या जाता नहीं। आज फागुन मास की अमावस्या है, जैसे फागुन लोग पितृ तर्पण भी करते हैं, इसको लेकर पितृ तर्पण जो करते हैं वो आज नहीं होता, करने के लिए तो आप चाहे जब कर डालें आपको कोई मना नहीं करेगा, मगर पितृ तर्पण जो है पीतल जब लगते हैं तब तर्पण होता है और तभी जो है वो 15 दिन जल दिया जाता है बुजुर्गों को, उसको हम लोग जल दिलाते हैं और एक नहीं
पहले देवताओं को जितने पृथ्वी पर देवता हैं उनको जल दिलाया जाता है, उसके बाद फिर अपने पूर्वजों को दिलाया जाता है, यमों को दिलाया जाता है, और देवताओं को, ऋषियों को, सबको दिला करके तब अपने माँ बाप को दिया जाता है। फागुन अमावस्या को लेकर क्या कुछ विशेष बताएंगे? विशेष ये है कि फागुन अमावस्या में जो आप स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आज के दिन के महत्व के बारे में बताते हुए यहाँ पर एक शख्स नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुज और अखिलेश सोनकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध नगर में पुलिस अलर्ट है। आगामी चुनाव को लेकर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन में सीआरपीएफ भी मौजूद है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ पैदल गश्त करते हुए दिखाई दिए, साथ ही ड्रोन की भी ली जा रही है। और अगली खबर बरेली से, जहां पर सुभाष नगर थाना क्षेत्र के बंसी नगला में कुट्टू का आटा खाने से एक परिवार के 7 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को उल्टी, पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लोगों ने व्रत खोलने के बाद कुट्टू का आटा से बना हुआ सामान खाया था। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।